गाड़ी में कपड़ा मारेगा, मोटरसाइकिल से घर पे आओगा, फिर ड्यूटी पर जाओगा, रात को 12 बजे सोता है। और उसके बाद इतने मेहनत के आदमी सर ये व्यवहार कि अगर वो आंदोलन करता है तो भी चार्जशीट, अगर उसकी ACP का टाइम आता है तो ACP नहीं मिलती, अगर उसका मेडिकल बिल कपड़े है शर्म की बात है, दो आदमी गिनती के दिन रहे उसका मेडिकल बिल पास नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं यही आप लोगों से उदास नहीं हूँ। और भाई यूनियन के इतिहास का जी बताइए, हमारा महाप्रबंधक के खिलाफ कोई निजी लड़ाई नहीं है, ट्रेड यूनियन का काम है, ट्रेड यूनियन के जो अधिकार हैं उसी के हिसाब से जो कर्मचारियों के अधिकार हैं उनकी आवाज़ उठाना, और जिनको हमने पूरी ताकत के साथ पूरी शिद्दत के साथ रोडवेज प्रशासन के सामने उठाया। लगातार 5 महीने से हम रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन में, लेकिन बड़े श्रम के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जिन कर्मचारियों के 1-1 साल पहले डेथ हो चुकी है, जो कर्मचारी 1-1 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके बीवी बच्चे अपनी पेंशन के लिए हर रोज़ इस कार्यालय में धक्के खा रहे हैं, और महाप्रबंधक जिस प्रकार से डिप्पू चलाने के बजाय एक यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, ये हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है उसको बिल्कुल दरकिनार करके जिस प्रकार से महाप्रबंधक आज हिसार डिपो में जो काम कर रहे हैं, उससे पूरी की पूरी तरह हरियाणा हिसार डिपो के तमाम कर्मचारी परेशान है, जिसको हम आने वाले आगामी आंदोलन में हम नए आंदोलन की घोषणा करेंगे। नाम राजपाल नायन, हिसार रोडवेज कर्मचारी यूनियन का जिला प्रधान। थैंक यू सर। जी आज की मीटिंग के बारे में बताइए सर। मैं ओम प्रकाश ग्रेवाल, रोडवेज कर्मचारी हरियाणा का राज्य प्रधान। हमारी आज की जो हिसार डिपो के कर्मचारियों कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग ली गई है, इस महाप्रबंधक के एक तो रवैया जो रवैया ये अपनाया हुआ है, जो ये तानाशाही से डिपो को चला रहा है, उसके विरोध में हमारे कर्मचारी आंदोलन करते हैं। जिन मांगों के लिए आंदोलन करते हैं तो उनका तबादला किया जाता है, उनको चार्जशीट किया जाता है, उनको इधर उधर किया जाता है, बदली की जाती है, लेकिन वो डिमांड 6 महीने से आज भी जो की त्यों पड़ी हुई है उनमें से कोई भी पूरी नहीं की गई है। इसलिए आज हमने यहाँ मीटिंग बुला करके आगामी आने वाली 18 फरवरी को प्रदेश स्तरीय इसका घेराव धरना और DC को ज्ञापन देंगे, हम डिप्टी कमिश्नर इशार को बताएंगे CM के बारे में ये क्या कर रहा है, इसकी कार्यशैली कैसी है, डिप्टी कमिश्नर को बताएंगे, और यहाँ से डिप्पू से बैनर तख्तियाँ लेकर के प्रदर्शन करके शहर से DC ऑफिस जाएंगे। आगामी 20 फरवरी को हमारी राज्य स्तरीय कैथन में एक मीटिंग है, समारोह है, उसमें केंद्रीय परिषद मीटिंग कर करके 20 तारीख को आने वाली 22 से लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन या कर्मी कमीशन लगातार यह डिपो में पूरा प्रदेश का डिपो चलाएगा, जिसमें एक एक डिपो रोजाना 24 घंटे का कमीशन करेगा या धरना देगा, वो फैसला भी वहाँ करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। इसको ये बताएंगे यहाँ GM कैसे चलता है, GM का क्या कार्यशैली है, कैसे काम करना चाहिए, इसको ये हम बताने जा रहे हैं। इसके दिमाग में GM के दिमाग में एक ऐसी चीज़ आई हुई है कि यूनियन कुछ नहीं है, इसको हम बताएंगे ट्रेड यूनियन क्या कर सकती है और क्या करेगी। तो आने वाला जो समय है इस GM के खिलाफ हमारा आंदोलन का है, और आंदोलन हम करते रहेंगे जब तक एक एक डिपो की एक एक कर्मचारी की डिमांड पूरी नहीं होती, इतना हमारा रोडवेज कर्मचारी यूनियन या हिसार डिपो में इस GM के खिलाफ आंदोलन कर रहेगी। डिपो की